नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथिली फैशन में। आज हम आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है। तैयारी हमें 13.5 इंच रखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। ब्लाउज की चौड़ाई 34 इंच है। चौथाई भाग हमने 8.5 इंच लिए हैं। इसकी टोटल चौड़ाई हमने 12 इंच ले लिए हैं। आर्म होल की गोलाई हमने 6 इंच लिए हैं। शोल्डर 6 इंच है। अब जो निशान लगाएंगे तो वो हमें अस्तर पे निशान लगा लेना है। यहाँ हमें 9 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ हमें 12 इंच पे निशान लगा लेना है। ये 12 इंच वाले जो निशान है इसकी सीधी लकीर खींच लेंगे। ये हमने 12 इंच वाले निशानों को सीधी लकीर खींच लिए हैं। अब यहाँ हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा 9 इंच का निशान है। यहाँ हमें 3 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगा लेना है। इस निशान को इस निशान से सीधी लकीर खींच लेंगे। ये आर्म होल की हमें सीधी लकीर खींचनी है इस तरीके से। अब हमें शेप देना है इस तरीके से। यहाँ से यहाँ हमें 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। ये हमने इस तरीके से मिला लिए हैं। अब यहाँ हमें गोलाई में शेप दे देना है इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से गोलाई में शेप ले लिए हैं इसके। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हम कटिंग कर रहे हैं तो मेन कपड़े और अस्तर दोनों साथ में कटिंग कर लेंगे। अब इस वाले निशान पे भी हमें कटिंग कर लेना है। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब ये जो निशान है इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ हमें 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाना है। इस तरीके से तिरछी निशान लगा लेंगे। ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। ये जो निशान लगा है यहाँ से यहाँ तक, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया। इसके आगे का जो गला है वो हम बुकरम पे कटिंग कर लेंगे। ये हमने बुकरम ले लिए हैं। अब इस बुकरम को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। बुकरम की लंबाई 9 इंच है। बुकरम की चौड़ाई 4.5 इंच है। यहाँ हम 1/2 इंच छोड़ते हुए निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें 7 इंच पे निशान लगाना है। इसकी भी सीधी लकीर खींच लेंगे। यहाँ हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। नीचे भी 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों को आमने सामने सीधी लकीर खींच लेंगे। ये हमने इस तरीके से सीधी लकीर खींच ली है। अब गले का शेप दे देंगे तो इसको इस तरीके से घुमा लिया हमने। ये हमने इस तरीके से गले का शेप दे दिए हैं। अब बाहर से 1-1 इंच छोड़ते हुए हमें निशान लगा लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। ये गला हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे हमें अस्तर पे पेस्ट कर लेना है।
ये हमने बुकरम को अस्तर पे पेस्ट कर लिए हैं। यह हमारा अस्तर और मेन कपड़ा है, तो इसको सबसे पहले अस्तर और मेन कपड़े को अटैच कर लेंगे। इसके सेंटर में सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड करते हुए सेंटर मिला लेना है। सेंटर में इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। ये हमने सेंटर में निशान लगा लिए हैं। अब इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। ये हमारा बुकरम है, इसमें भी हमें सेंटर में निशान लगा लेना है। ये हमने सेंटर में निशान लगा लिए। दोनों निशानों को सेंटर में रखते हुए इस तरीके से सीधी सिलाई कर लेंगे। ये हमने सेंटर में सिलाई कर लिया। अब इस गले के किनारे से सिलाई कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से गले के किनारे पे सिलाई कर लिए हैं। अब ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा, इसे कटिंग कर लेंगे। ये हमने बीच के एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया। अब किनारे से कट कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से किनारे से कट कर लिया। इसको पलट लेंगे। इसको इस तरीके से पलट लेना है। इसके ऊपर हमें कच्ची सिलाई कर लेनी है। ये हमने गले के ऊपर कच्ची सिलाई कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से रखेंगे। इसको इस तरीके से खोलेंगे। ये जो हमारा पल्ला है, सबसे पहले अस्तर में हमें जॉइंट कर लेना है। इसको इस तरीके से रखेंगे। ये हमने इस तरीके से सेट करा। इसी तरह दूसरे साइड भी इस पल्ले को हमें सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से दोनों पल्ले सेट कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से पलट लेंगे। अब ये मेन कपड़े में हमें सेट कर लेना है। इसको इस तरीके से रखेंगे। ये हमने इस तरीके से सेट करा। इसी तरह ठीक दूसरे पल्ले में भी हमें सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से दोनों पल्ले सेट कर लिए। अब इसमें हमें पफ सेट करना है, तो इसको इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से पफ सेट कर लेना है। पफ सेट करने के बाद ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इसको इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से सेट कर लिया। ठीक इसी तरह हमें दूसरे साइड भी सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से दोनों पफ सेट कर लिए हैं। अब इसके चारों साइड सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से चारों साइड सिलाई कर लिए हैं। अब ये नीचे का पट्टी हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा नीचे का पट्टी है। इसको इस तरीके से रखेंगे। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर लिए हैं। अब किनारे से कट कर लेंगे। ये हमने किनारे से कट कर लिया। अब इसको पलट लेंगे। इसको इस तरीके से पलट लेंगे। इस तरीके से पलटे हुए किनारे पे हमें सिलाई कर लेनी है।
ये हमने चारों साइड सिलाई कर लिए हैं। अब इस गले पे हमें लैस सेट कर लेना है, तो इसके लिए हमने लैस ले लिए हैं। इसको यहाँ से हमें सेट कर लेना है। ये हमने इस तरीके से लैस सेट कर लिए हैं। अब इसे सेट कर लेंगे। ये हमारा सेंटर है, इस तरीके से सेंटर में रखते हुए। ये हमने इस तरीके से सेट कर लिए हैं। यहाँ पे हमें कच्ची सिलाई कर लेनी है। अब ये लैस सेट कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से लैस सेट कर लिए हैं। ये हमारा इस तरीके से फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।